नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष शास्त्र के तीन भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। उसमें से संहिता जो भाग है, वहाँ से देश का भविष्य, फ्यूचर ऑफ द कंट्री देखा जाता है। अब ये सुन के आपके मन में प्रश्न ही जगेगा कि भारत देश तो कई सालों से यहाँ पर है, तो उस भारत देश की कुंडली कैसे बनाई जा सकती है। तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रकारों ने ये कहा कि जब किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है, उस देश को नाम दिया जाता है या उस देश को फ्रीडम मिलती है, तब उस समय को लेकर, उसके कैपिटल को लेकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। जैसे कि भारत देश को फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 को, तो वह समय कैपिटल न्यू दिल्ली और टाइम 00 लेकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। और जैसे किसी व्यक्ति के बर्थडे से उसका इंडिविजुअल ईयर स्टार्ट होता है और उसका वर्षफल देखा जाता है, वैसे ही जो कंट्री होती है, उसको जो फ्रीडम मिलती है, उसकी बर्थ डेट से कंट्री का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। सो फ्रॉम अगस्त 15, 2023 से लेकर अगस्त 14, 2024 तक भारत देश में क्या क्या होगा, फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या होगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो क्या देखना चाहिए देश की कुंडली में, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 13वीं सदी में। 13वीं सदी में एक ज्योतिषाचार्य हो गए जिनका नाम था वेंकटेश शर्मा, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सर्वार्थ चिंतामणि। इस सर्वार्थ चिंतामणि ग्रंथ में उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति के राष्ट्र की कौन सी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसके आधार पर प्रधानतः प्रिडिक्शन करना चाहिए। सो प्रिडिक्शन में प्रधानतः दशा, महादशा और अंतरदशा को देखना चाहिए, ऐसा सर्वार्थ चिंतामणि का सूत्र है। वह सूत्र आप देखें, दशानुरोधेन फलम वदन्ति मुनीश्वरा जात शुभाशुभम तत्। अब इसके ऊपर एक टीका लिखी गई है, और वो टीका लिखी है नृसी देवज्ञ ने, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ राष्ट्र की दशा ही देखनी है वैसा नहीं है, उसका वर्षफल या उस राष्ट्र का नववर्ष प्रवेश की कुंडली भी देखनी चाहिए और बाद में उसका प्रिडिक्शन करना चाहिए। आप सर्वार्थ चिंतामणि टीका का सूत्र देखें, राष्ट्रस्य दशाम वर्षफलम चैव धाव्याम साधयितव्यम। तो हम यहाँ दोनों देखेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे दशा और अंतरदशा की, और भारत देश की, जैसा कि हम सबको पता है 2015 से लेकर 2025 तक चंद्र की महादशा चल रही है, और उसमें 11 जुलाई 2023 से लेकर शुक्रा का अंतर चलेगा, जो कि 11th ऑफ मार्च 2025 तक रहेगा। अब हम इसमें आगे बढ़े, उससे पूर्व हमें भारत नववर्ष प्रवेश की कुंडली भी देखनी चाहिए। अगर हम उस दिन की कुंडली को देखें तो तुला लग्न आ रहा है, 5th हाउस में शनि है, 7th हाउस में गुरु और राहु का चांडाल योग है, 10th हाउस में सूर्य चंद्र और शुक्र है। सो बेसिकली यहाँ लग्न का लॉर्ड शुक्र 10th हाउस में है, और वो भी 10th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा उसके साथ है। अब मजा यह है कि उसी की दशा अभी चल रही है, जैसा कि हमने पहले देखा। इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए पराशर मुनि ने यह श्लोक दिया है, दशाधिपेन संयुक्ते देह सौख्यम महत्व सुखम सत्कीर्ति ही सुख संपत्ति ही गृह क्षेत्रादि वृद्धि कृत। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं तो भारत देश का यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई नया डिसीज़ इस समय राष्ट्रव्यापी नहीं होगा, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा, राष्ट्र की कीर्ति वर्ल्ड वाइड बढ़ेगी। हालांकि गुरु और राहु का चांडाल योग 7th हाउस में होने के कारण भारत की कुछ विदेश नीतियों के कारण या फिर रूलिंग पार्टीज़ की कुछ नीतियों का पूरे विश्व में विरोध किया जाएगा, और उसके कारण रूलिंग पार्टीज़ को एक तरह से अपकीर्ति मिलेगी, राष्ट्र को नहीं, ये याद रहे।
रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा उछाल आएगा। कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स लाइक G20 या ओलंपिक लेवल्स की जो इवेंट्स होती है, उस तरह की इवेंट्स की अनाउंसमेंट या उस तरह के इवेंट्स के आयोजन होने के कारण ओवरऑल इंडिया की इमेज सुधरेगी। इसी साल भारत देश में जब भारत का ये वर्ष चलने वाला है तभी जनरल इलेक्शन भी होने जा रहा है। सो 2024 में आने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए संहिता विचार टीका में भारत देश की वर्ष फल की कुंडली को देख के यह सूत्र दिया गया है, अनेक संघर्षान निश्चिता जयो भवेत राजा, अर्थात स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा। सो ये क्लीन स्वीप नहीं होगी, सत्ताकारी जो पक्ष है उसको बहुमत तो मिलेगा लेकिन जैसे हम क्लीन स्वीप बोलते हैं कि बहुत भारी बहुमत, वैसा नहीं होगा। जो सभी विरोध पक्ष ने इकट्ठा होकर अभी इंडिया नामक एक पक्ष की स्थापना की है वो NDA को प्रबल चुनौती देगा, पर क्योंकि लग्न लॉर्ड शुक्र दशम स्थान में दशमेश के साथ है तो शास्त्र यह कहता है कि जीत राजा की ही होगी। दैट मीन्स जो अभी रूलिंग पार्टी है वही पार्टी एवं NDA की जीत होगी, लेकिन यह जो जीत है वह मार्जिनल विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं होगी। इसी वर्ष वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के द्वारा स्मॉल वॉर या आतंकवाद की इवेंट का आयोजन किया जाएगा या वह प्रयत्न करेंगे लेकिन उनमें उनको असफलता मिलेगी और उसके कारण जो शासक पक्ष है उनको बहुत बड़ी क्रेडिट मिलेगी। आप सूत्र देखें, पश्चिमे शत्रवः पराजिताः भविष्यन्ति। हालांकि मैन मेड डिजास्टर वेस्टर्न साइड पर नहीं होगा लेकिन नेचुरल मेड डिजास्टर, उसमें भी इंडिया के वेस्टर्न साइड के तटीय प्रदेशों में मीन्स गुजरात महाराष्ट्र एवं गोवा के कोस्टल रीजन में चक्रवात सुनामी या फ्लड के कारण भारी नुकसान होगा, ऐसा संहिता विचार टीका में स्पष्ट सूत्र दिया गया है। पश्चिम तटीय क्षेत्रेषु अनेकानि जलीय कष्टानि। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की या स्टॉक मार्केट की बात करें तो ग्रहों को देखकर एक बात स्पष्ट दिख रही है कि इस साल ओवरऑल ग्रेजुअली ग्रोथ होगा लेकिन बहुत सारे अप्स और डाउन्स आएंगे। उसमें भी दिसंबर 2023 के बाद एक स्टेडी ग्रोथ होगा फॉरेन ट्रेड्स के कारण या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण इंडियन इकोनॉमी में स्टेडी ग्रोथ होगा वह तय है। हालांकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के कारण स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन हैं उनको भारी दिक्कतें आएगी। ओवरऑल मेजर अप्स और डाउन्स के बाद एक स्टेडी ग्रोथ मिलेगा ऐसा सूत्र में कहा गया है। अनेके ही सामर्थ्य विपर्य ही निरंतरम व्यापारस्य वृद्धि भविष्यति। क्योंकि जो नव वर्ष प्रवेश की कुंडली में सेवंथ हाउस में गुरु और राहु का चांडाल योग बन रहा है और वो भी मेष राशि में बन रहा है तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट दैट मीन्स ईशान कोणीय राज्यों में या फिर नॉर्थ वेस्ट दैट मीन्स वायव्य रीजन में कम्युनल राइट्स या सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। आप सूत्र देखें, चांडाल योगे सप्तमे वायव्य च ईशाने च दुखम जायते। अभी जिस तरह की इवेंट्स मणिपुर में बन रही है वह अगर गवर्नमेंट ने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया अक्टूबर तक तो आगे जाके गवर्नमेंट को इसके भारी नुकसान भुगतने पड़ेंगे, वैसा भी शास्त्रकारों ने कहा है। सो हमारी गुजारिश है दैट गवर्नमेंट को जो मणिपुर की इवेंट्स हो रही है उसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। सो अगर हम जो नव वर्ष प्रवेश की कुंडली बन रही है वह या फिर भारत देश की जो अभी महादशा और अंतरदशा चल रही है उन दोनों को मिला के देखें तो एक बात तय दिख रही है कि भारत का जो आने वाला नव वर्ष है वह वर्ष एक तरह का स्टेडी ग्रोथ देने वाला रहेगा। सो आप सबको नव वर्ष की शुभकामना देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
शुभम भवतु, प्रणाम।